हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर चिली। हम एक बाउल में पनीर को बड़े बड़े पीसेस को काट के उसमें डाल लेंगे। उसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे और आधी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और आधी चम्मच रेड चिली पाउडर डाल के और थोड़ा नमक डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम एक पैन ले लेंगे। अब हम दो बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल हीट होने के बाद अब हम इसमें सारे पनीर के पीसेस को डाल देंगे। सारे पनीर के एक एक पीस को अच्छे से डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। उलट पलट करते हुए अच्छे से भून लीजिए। पनीर अच्छे से क्रिस्प हो गई है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल अब हम कटी हुई लहसुन की कलियां ऐड करेंगे। इसमें ग्रीन चिली बारीक कटी हुई डालें। इसके बाद हम चॉप्ड किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। अब हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज को ऐड करेंगे। एक चम्मच केचप, एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच रेड चिली सॉस को ऐड कर लीजिए और आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें एक गिलास पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और हम इसमें अब पनीर को ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल बनाकर इसमें ऐड करेंगे थिकनेस के लिए और हम इसमें एक मिनट के लिए पकाएंगे। पनीर चिली बनकर तैयार होगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसे दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। पनीर चिल्ली बनकर तैयार हो गई। टेस्ट करके बताएं कैसी बनी पनीर चिल्ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।